नमस्ते बच्चों, एडवोकेट बापू साहेब बोंडे हाई स्कूल के डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा पहली, विषय हिंदी। बच्चों, इसके पहले हमने दो अक्षर वाले शब्द सीखे हैं, आपने सराव किया है ना? हाँ, आपने सराव किया ही होगा। आज हम आगे के दो अक्षर वाले शब्द सीखने वाले हैं। उसके पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ व्यंजन पढ़िए। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। यह व्यंजन हमें बार बार क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि इनसे ही हम बनने वाले शब्द सीखते हैं और उसे लिखना और पढ़ना हमें आसान होगा। आज हम दो अक्षर वाले शब्द का आखिरी भाग सीखने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले हमने दो अक्षर वाले शब्द सीखे हैं। आज हम आगे के दो अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। पहला चित्र है, क्या दिख रहा है इसमें आपको? एक उंगली। क्या दिख रही है? उंगली। उंगली में यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इसे नख क्या कहते हैं? इसे नख कहते हैं। न में ख मिला है, न में ख मिला है, अक्षर बन गया नमख। क्या बन गया? नमख। दूसरा चित्र है, पैर। क्या है? पैर। पैर को पग भी कहते हैं। प में ग मिला है, प में ग मिला है, शब्द बन गया पग, पग। तीसरा चित्र, इसमें आपको क्या दिख रहा है? सड़क दिख रही है, रास्ता दिख रहा है, इसे पथ क्या कहते हैं? इसे पथ। प में थ मिला है, प में थ मिला है, शब्द बन गया पथ। यह चित्र है पत्र का, पत्र यानी लेटर। प में त्र मिला है, प में त्र मिला है, शब्द बन गया पत्र, पत्र। पांचवा, इसमें आपको क्या दिख रहा है? यह है नथ, जो नाक में पहनी जाती है। न में थ मिला है, न में थ मिला है, शब्द बन गया न थ, न थ, नथ। बच्चों, अब हम आगे के दो अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। छठा है, न में ट मिला है, न में ट मिला है, शब्द बन गया न ट, शब्द बन गया न ट। सातवां, फ में ल मिला है, फ में ल मिला है, शब्द बन गया फलो, फलो। आठवां, ब में स मिला है, ब में स मिला है, शब्द बन गया बस, बस। नौवां, य में ज्ञ मिला है, य में ज्ञ मिला है, शब्द बन गया यज्ञ, यज्ञ। दसवां, र में थ मिला है, र में थ मिला है, शब्द बन गया रथ, रथ। ऐसे लिखते समय आपको शब्दों का उच्चारण करना है, लिखते समय भी उच्चारण करना है और बोलते बोलते आपको
लिखना है। बच्चों, आज हमने दो अक्षर वाले शब्द लिखना और पढ़ना सीखा। गृह कार्य में मतलब होमवर्क में दो अक्षर वाले शब्द अपनी हिंदी कापी, कापी मतलब नोटबुक में एक बार लिखना है। अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।